श्री शिवमारुती देवस्थान प्रतिष्ठान आणि श्री राम ट्रस्ट मंदिरच्या वतीने श्री राम जन्मोत्सव सोहळा आणि विवाह सोहळा मोठ्या उत्साहात नुकताच संपन्न झाला। श्री शिवमारुती देवस्थान प्रतिष्ठान श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या वतीने दिनांक 10 एप्रिल 2022 रविवार रोजी परमपिता परमात्मा श्रीराम जन्मोत्सव आणि विवाह सोहळा सागर चौक विडी घरकुल येथे मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहाने साजरा करण्यात आलाय। चतुर्दश प्रतिदिन कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी 7 वाजल्यापासून दीप प्रज्वलित आणि ध्वजारोहणानंतर गणपती पंचायत पूजा, गणपती पंचायतन पूजा, पुण्याह वाचन, नक्षत्र पूजा, अष्टदिक्पाल पूजा, नवग्रह पूजा, अंकुश रोपण, ईशान्य कळस पूजा, सर्वतोभद्रा पूजा, श्रीराम गायत्री होम हवन, पूर्णतः आदृती, यानंतर 11 ते 12:30 या वेळेमध्ये जन्मोत्सव आणि विवाह सोहळा मोठ्या संस्थेनं जन्मोत्सव आणि विवाह सोहळा मोठ्या संख्येनं आणि सर्व भक्तांच्या उपस्थितीमध्ये भक्तिभावानं आणि उत्साहानं हा कार्यक्रम संपन्न झाला। यावेळी प्रमुख अतिथी ब्रह्मश्री श्री कैवल्य तीर्थस्वामी आंध्र प्रदेश, माननीय श्री प्रथमेश महेश कोठे, विठल कोटा नगरसेवक, VR पवार, पवार साडी सेंटर, देवस्थानचे आधारस्तंभ श्री अंबाजी गर्दास काका आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती। यावेळी श्रीराम नवमी निमित्त मुख्य अतिथी ब्रह्मश्री श्री कैवल्य तीर्थस्वामी पोदट्टूर आंध्र प्रदेश यांच्या वाणीतून आध्यात्मिक विषयावर तेलुगू प्रवचन दिनांक 4 ते 10 एप्रिल पर्यंत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। श्रीराम राम राम అని 3 సార్లు అంటే అది ఎలాగా మనసులో రాముని యొక్క తత్వాన్ని ఎవరైతే ధ్యానిస్తారో ఈ రకంగా సహస్రనామాలకు ఇది సమానం। మరి ఏ రకంగా అన్నప్పుడు నమశివాయ అన్నప్పుడు మా అనేది 2 అక్షరం, ఓం నమో నారాయణాయ అన్నప్పుడు రా అనేది 5వ అక్షరం। 5 × 2 = మరి 2వ రామ అంటే 10 × 10 = 100, రెండవసారి రామ అంటే 100, మూడవసారి మళ్ళీ రామ అంటే 100 × 10 = 1000। కాబట్టి శ్రీరామ రామ అని 3 సార్లు మనం చెప్పడం వల్ల या कार्यक्रमाला सर्व भाविक भक्तांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून तेलुगू प्रवचन आणि दर्शनाचा आणि महाप्रसादाचा तसेच अन्नदानाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलं। कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी श्री शिवमारुती देवस्थान प्रतिष्ठान श्रीराम मंदिर, C ग्रुप, सागर चौक, विडी घरकुल सहपरिवाराचं सहकार्य लाभलंय।